इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया प्रयागराज में शुरू हो चुकी है। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटर के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव में करीब 33,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें अकेले 16,803 मतदाता प्रयागराज में ही मतदान करेंगे। लिहाजा प्रयागराज की भूमिका इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। प्रयागराज में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए कुल 36 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 15 शहरी क्षेत्र और 21 ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के बाद शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। प्रयागराज में वोटिंग के बाद मत पेटिका को सुरक्षित तरीके से झांसी भेजा जाएगा, जहां पर 2 फरवरी को मतों की गणना की जाएगी। इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर इस बार बीजेपी और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन यहां पर निवर्तमान शिक्षक एमएलसी सुरेश त्रिपाठी के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। सपा ने इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए डॉक्टर एसपी पटेल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने बाबूलाल तिवारी को मैदान में उतारा है। दोनों दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। हालांकि 2 फरवरी को वोटों की गिनती के साथ ही दावों की सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन इस चुनाव को सपा और बीजेपी ने बेहद गंभीरता से लिया है, लिहाजा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारा नगर प्रतिकर भत्ता बहाल किया जाए, फैमिली प्लानिंग का जो इन्होंने वित्तीय काट लिया उसको बहाल किया जाए, और जो हमारे वित्त विहीन के साथी हैं वो भी हम ही लोगों के घरों से आते हैं, तो उनका भी जो मानदेय था उसको सरकार दे, और चयन बोर्ड गठित किया जाए, वहाँ से अध्यापकों की नियुक्ति हो, विद्यालयों में अध्यापक नहीं है कौन पढ़ाए, ये सब हमारे मुद्दे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। सबसे बड़ी मुद्दा तो हमारी यही है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए, क्योंकि एक सांसद को पुरानी पेंशन मिलती है, हम लोग 30 साल 32 साल का सेवा करने के बाद बुढ़ौती का कोई सहारा हम लोगों का नहीं, नवीन पेंशन पे हमको कुछ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अब पुरानी पेंशन सभी चाहते हैं, हम क्या सभी लोग चाहते हैं, जितने 2005 के बाद की नियुक्तियां हैं जिनकी और इसके बाद जो है मेडिकल सुविधा दी जाए, नगर भत्ता नहीं मिलता है, कुछ तो नहीं ठीक से मिलता हम लोगों को, CCL नहीं मिलती, CCL के लिए पूरे ऑफिस में घूमते रहिए आप,